गर्व करो इस वर्दी पर, सब पर यह रंग नहीं खिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। बनने को कलेक्टर बन जाए, बनने को कमिश्नर बन जाए, गर ठान ले कोई जीवन में तो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन इस वर्दी की खातिर 81 का सीना चाहिए। लेकिन इस वर्दी की खातिर 81 का सीना चाहिए, और 5 अलग से फूले भी घुटने भी ना जुड़ना चाहिए। हो कदम बराबर सधे हुए, हो आंख कान भी ठीक ठाक, इन सब खूबी के बावजूद भी घोड़े सा उड़ना चाहिए 800 मीटर। चौड़ी छाती ऊंचे ललाट बिन यह सम्मान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्यों तुम पर यह उपकार किया? क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्यों तुम पर यह उपकार किया? क्यों जन्म दिया इस धरती पर, सैनिक का हर आधार दिया, क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई? क्यों जनसेवक का रूप दिया, क्यों खाकी का श्रृंगार दिया? खाकी के श्रृंगार से बढ़ के कौन से बताओ, दुनिया का कोई भी कपड़ा इसको क्यों? खाकी और वर्दी हमारे जो सीमा पे जवान है उनके लिए भी है, ये वर्दी के लिए, खाकी के लिए भर नहीं है। कि क्या सोचा तुमने ईश्वर ने क्या तुम पर यह उपकार किया? क्यों जन्म दिया इस धरती पर, सैनिक का हर आधार दिया, क्यों सभी खूबियां सैनिक की तुम पर ही उसने बरसाई? क्यों जनसेवक का रूप दिया, क्यों खाकी का श्रृंगार दिया? इसका उत्तर खुद से पूछो, तुम एक आम इंसान नहीं, ईश्वर का पहला चयन हो तुम पर, तुमको इसका भान नहीं। तुम पहुंच सको आंसू उनके जो दीनहीन है, शोषित है, प्रतिकार करो उन दुष्टों का जो भी अधर्म से पोषित है। इस हेतु विधाता ने तुमको चयनित कर धाम धरा भेजा, मानव हित में है श्रेष्ठ मनुष्य करने को काम बड़ा भेजा। मिलता है हजारों में एक को, सबको यह मान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। यह तेरे माथे का अशोक केवल तुझ पर ही शोभित है। यह नहीं सुलभ होता सबको, केवल तुझ पर आरोहित है। यह राज चिन्ह सम्मान महज तुझ पर ही क्यों हर्षाता है? क्या सोचा ये सबकी किस्मत में क्यों ना आता है? कहता है भागवत, सुन सैनिक, इस राज चिन्ह का सार बड़ा, यह राज चिन्ह देता हमको जनरक्षण का अधिकार बड़ा। अपने जीवन की खुशियों का बलिदान सहज ना होता है, तू रात रात भर जगता है तब देश चैन से सोता है। त्योहार जलाता है सैनिक तब दिए सभी के जलते हैं, तजता है जब खुशियां अपनी तब ईद मुहर्रम पलते हैं। हाँ गर्वित है, अभिमानी है, हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। इस मातृभूमि की सेवा का सबको अभिमान नहीं मिलता। किस्मत के बिना इस दुनिया में खाकी परिधान नहीं मिलता। भारत माता की जय। और एक चीज है, धर्मराज कवि शायर जी लिखे हैं उत्तर प्रदेश से कि नवंबर अस मजा जनवरी में नहीं पाओगे, नवंबर जैसा मजा जनवरी में नहीं पाओगे, गद्दा जैसा मजा दरी में नहीं पाओगे, ठांस के पिस्टल बुलेट से घूमोगे, दरोगा जैसा मजा दूसरी नौकरी में नहीं पाओगे। भारत माता की जय।